उत्तराखंड की सबसे बड़ी मोटर रोड टनल। दोस्तों, उत्तराखंड में चाइना बॉर्डर से लगे सीमांत उत्तराकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और पटकोत के बीच उत्तराखंड की सबसे लंबी और देश की सबसे बड़ी व्यास वाली डबल लेन मोटर सुरंग का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। 4531 मीटर लंबी इस अत्याधुनिक सुरंग के निर्माण से गंगोत्री यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इससे यमुनोत्री से गंगोत्री जाने में 45 मिनट तक की समय बचत होगी। दोस्तों, ये डबल लेन सुरंग अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। इसका डिजाइन ऑस्ट्रेलिया में तैयार किया जा रहा है। इस सुरंग का निर्माण कार्य 2019 को शुरू हुआ था, जिसे अगस्त 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये सुरंग देश में अब तक बनाई गई सभी सुरंगों में से सबसे अधिक डायमीटर वाली सुरंग होगी। इसका डायमीटर 15.095 मीटर है, जबकि इसी मेथड से बनी रोहतांग में बनाई गई अटल टनल या सुरंग का डायमीटर 13 मीटर ही है। सुरंग में आने जाने के लिए अलग अलग लेन बनाए गए हैं तथा बीच में 400 mm मोटी डिवाइडर वॉल रखी गई है। दोस्तों, उत्तराखंड में बन रही यह खास टनल चार धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव धरासू, जो कि गंगोत्री हाईवे पर एक छोटा सा मार्केट है, से यमुनोत्री के अंतिम पड़ाव तथा अंतिम पड़ाव जानकी चट्टी तक है, जिसकी दूरी 106 किलोमीटर है। करीब 7000 फीट की ऊंचाई वाले राड़ी टॉप क्षेत्र में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यमुनोत्री राजमार्ग बंधित हो जाता है। करीब 7000 फीट की ऊंचाई पर राड़ी टॉप क्षेत्र में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यमुनोत्री राजमार्ग बाधित हो जाता है, जिसे इस क्षेत्र के यमुना घाटी की एक बड़ी आबादी का जिला मुख्यालय उत्तराकाशी से पूरी तरह संपर्क कट जाता है। इस क्षेत्र में सिंगल लेन सड़क और घुमावदार मोड़ों के कारण यात्रा के दौरान जाम व सड़क दुर्घटनाएं आम बात हो गई। चारधाम रोड परियोजना के आने के बाद इस क्षेत्र को ऑल वेदर के तहत डबल लेन सुरंग बनाने की सौगात मिली, क्योंकि जहां सड़क को चौड़ा कर हजारों पेड़ों को काटना पड़ता, वहीं इस सुरंग के बनने से हजारों पेड़ों को जीवनदान के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित रखने में के लिए भी एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया। अत्याधुनिक इस सुरंग में सब कुछ स्वचालित होगा। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम यात्रा के लिहाज से इस सुरंग को वरदान माना जा रहा है। वही बात करें इस सुरंग की विशेषताओं की, तो इस सुरंग को एकीकृत सुरंग नियंत्रण प्रणाली से लैस किया गया है, जिसमें वायु संचार बिजली आपूर्ति और घटना की पहचान की जा सकेगी। इसके साथ भी कई चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। वायु गुणवत्ता तथा वेग की निगरानी, क्लोज्ड सर्किट टीवी, फायर डिटेक्शन सिस्टम, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, आपातकालीन कॉल सिस्टम, आग की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए उच्च ताप जल धुंध प्रणाली, सुरंग के अंदर सुरक्षित ड्राइविंग की सुविधा के लिए स्वचालित प्रकाश नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।
यह है उत्तराखंड की सबसे